दोस्तों आपके पास भी ओप्पो कंपनी का कोई स्मार्टफोन है, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक या फिर किसी भी तरीके का लॉक लगा के भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि मेरा पिन पासवर्ड पैटर्न क्या है, और आप अपने फ़ोन को हार्ड रिसेट भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, एक ऑप्शन होता है हार्ड रिसेट का, जिससे आपका फ़ोन रिसेट हो जाएगा, सारा डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये भी है कि आपका एक तो डेटा लॉस हो जाएगा, ऊपर से आपका FRP जब लॉक होगा तो आपसे ईमेल आईडी पासवर्ड मांगते हैं। तो बहुत लोग ईमेल आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे विदाउट हार्ड रिसेट किए हुए ना तो आपसे ईमेल मांगेगा, ना पासवर्ड, ना पिन पैटर्न, कुछ भी नहीं मांगेगा। बस एक सेटिंग को ऑन करके आप अपने ओप्पो के फोन में लगे हुए किसी भी तरीके के लॉक को बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ़ोन है जिसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको नीचे या ऊपर में कहीं भी इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको उसी ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो काम है यहाँ पे आपको *8012, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, *8012 और हैज को इस तरीके से दबाएंगे, और जैसे ही आप हैज दबाएंगे आपके सामने अगर आपका वॉलपेपर आ रहा तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। *8012 और हैज अगर आप इंटर करते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे इंटर किया ना *8012, और है जैसे ही दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक वॉलपेपर पे चल जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अगर आपके साथ हो रहा है तो आपका फ़ोन फुल्ली FRP लॉक है। FRP लॉक क्या होता है आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जब आपका फ़ोन FRP लॉक हो जाता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इमरजेंसी कॉल में जाके FRP को अनलॉक करने के लिए *8899 और हैज का प्रयोग करना होगा। *8899 और हैज का प्रयोग करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी SOS या फिर इंजीनियर मोड में। तो यहाँ पे देखिए इंजीनियर मोड का ये ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको इस ऑप्शन में कहाँ जाना है, सबसे पहले तो आपको चल जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मैनुअल टेस्ट का। जी दोस्तों देखिए, मैनुअल टेस्ट वाले इस ऑप्शन में हम चल गए हैं, और इसी के सेकंड ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन असेंबलिंग वाला है, और इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है डिवाइस डिबगिंग का, यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, डिवाइस डिबगिंग का ये सेकेंड ऑप्शन है। इसके ठीक नीचे रीसेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं ठीक नीचे एक रीसेट का ऑप्शन होता है जो कि M-सेंसर नाम से है। इसको यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा, और जैसे ही आपने M-सेंसर को स्टार्ट किया आपके फ़ोन में जितने भी पिन पासवर्ड पैटर्न है सब वो एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, जिसको रीसेट करने में बहुत ही आसानी होगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन का एक पेज दिखेगा, इसी पेज पे आपको टैप करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने इस पर टैप किया, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे फ़ोन में 3 सेंसर आप देख सकते हैं ना, 3 सेंसर हमारे फ़ोन में, और आपके फ़ोन में कितने सेंसर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी सेंसर आपको, जितना भी सेंसर दिखे सभी को इस तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक सेंसर भी आपका पास हो जाएगा इट मीन्स कि आपका ये वर्किंग में है और अभी रेडी टू यूज है, फ़ोन अनलॉक हो सकता है। तो देखिए 3 सेंसर में से 2 सेंसर हमारे फेल हो चुके हैं, जबकि 1 सेंसर हमारा पास हो चुका है। अगर आपका सारा सेंसर जो है फेल हो जा रहा है तो इसको आप दोबारा तिबारा इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए 2 फेल फिर से और 1 पास, तो 1 पास है इट मींस ओके। अब इस ऑप्शन से बैक चलेंगे, देखिए हम इस ऑप्शन से बैक जा चुके हैं, और बैक जाने के बाद देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अदर्स का। अदर्स के इसी ऑप्शन में सबसे नीचे एक रीसेट का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई देगा, आपको इस रीसेट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और ये जब पास हो जाए तो समझ लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है। ये पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और यहाँ पे ये पास हो ही गया है। तो अब देखिए ये जैसे ही पास होता है इसको आप बैक कर लीजिएगा, बैक करने के साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्टली आपको की स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। की स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा देर आपका फ़ोन लगा कि हैंग हो गया, बट कोई बात नहीं, की स्टेटस में अगर ये सारा ऑप्शन आपका पास हो जाता है तो आप इसको बैक कर लीजिएगा, फिर से बैक जाइएगा,
और वापस से जब आप बैक जाइएगा तो आपके फ़ोन में लॉक स्क्रीन अभी भी है। लेकिन दोबारा जब हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाला इस ऑप्शन में हम फिर से इसको टैप करेंगे, तो जैसे ही इमरजेंसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद सिर्फ स्टार हैज़ 813 और सिर्फ हैज़ को इंटर करेंगे, हैज़ के दबाते ही हमारा फ़ोन जो है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा और हमसे ना तो पिन मांगा जाएगा, ना पासवर्ड और ना ही पैटर्न। बिल्कुल स्टार हैज़ 813 से बिल्कुल मैजिकल तरीके से आपका फ़ोन अनलॉक होगा। और ध्यान रहे, लास्ट में स्टार हैज़ 813 और हैज़ को ज़रूर इंटर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई दिक्कत हो कमेंट करके मॉडल नंबर जो बताइएगा, और सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ज़्यादा हेल्प आपकी होगी। तो सब्सक्राइब करके आप हमें कमेंट करें मॉडल नंबर के साथ।